कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 14वां अध्याय। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्यान्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्यान्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद न हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वह क्यों कर पहचाना जाएगा, और यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों न हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की न होगी। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेगा, इसलिए कि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्यान्य भाषा में बोलता हूं, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी न सुनेंगे। इसलिए अन्यान्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह हैं, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह हैं। सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्यान्य भाषा बोलें और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ा मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो दो या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोलें
और शेष लोग उनके वचन को परखें। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। और यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला या केवल तुम ही तक पहुंचा है? यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं, परंतु यदि कोई न जाने तो न जाने। सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो, पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाएं।